Journalists are facing tough times during the ongoing unrest in the Kashmir Valley. The clashes between the people and the law enforcement personnel has so far claimed about 80 lives, and more often than not, the media has been trapped in the middle of this fracas due to the pressure on it to provide field reports and photographs. The circulation of newspapers too has dropped drastically, claimed some editors and journalists. इन हालात में चलाना बहुत मुश्किल है. हमारा स्टाफ जो है वो नहीं आ पा रहा है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है. कई जैसे पिछले दिनों यहाँ पे कर्फ्यू का माहौल था, तो उस हालत में हमें और भी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुए थे. तो अभी कुछ हालात अभी थोड़ा सुधर गए हैं, कर्फ्यू अभी नहीं है, तो भी हमें बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है. कि अगर हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो तो है, लेकिन बट जहां तक हम देख रहे हैं कि जो यहां पे अनरेस्ट अभी है, उस हिसाब से कई सारी दिक्कतें भी हैं. जहां तक गवर्नमेंट की तरफ से मीडिया पर्सन को पासिस भी दिए जाते हैं, कर्फ्यू पासिस स्पेशल दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्स या पुलिस के जवान हैं वो मतलब कर्फ्यू पास भी नहीं मानते हैं, और जब इनको कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं उस टाइम ये बिल्कुल नहीं मानते हैं. कि जब मीडिया पर्सन कवरेज करने जाते हैं, कहीं पे प्रोटेस्ट वगैरह हो, हालात कुछ ऐसे बने होते हैं कि जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहती है, तो उस टाइम वो मीडिया वालों को भी नहीं मानते हैं और आगे भी नहीं छोड़ते हैं. लेकिन जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो मतलब हर एक मीडिया पर्सन को अपनी तरफ से असाइनमेंट दिया जाता है, कोई स्टोरी करनी होती है, तो उस हिसाब से मीडिया पर्सन को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. एक क्योंकि एक तरफ जब हम देखते हैं कि स्टोन पेल्टिंग वगैरह अगर होती है, ज़बरदस्त मुजाहरे वगैरह होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, एक साइड से जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स होती है, दूसरी तरफ से स्टोन पेल्टर वगैरह होते हैं, और जब कुछ मॉब आ जाता है और वो मीडिया वालों को भी निशाना बनाते हैं, कहते हैं कि आप एंटी रिपोर्ट्स दिखाते हैं,